कैमरा में हाथ हिला दो आपके साथ मजाक हुआ। जी तो अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर चैलेंज। तो आज हम करने लगे हैं ब्लो द बैलून पुट इन द गिलास, जैसे कि आपको हम एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। ट्रांसलेट इन उर्दू। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं, कर लेते हैं अभी। खाली ये देख के किस तरह ये चैलेंज करना है। अच्छा अच्छा, ये चैलेंज इस तरह होगा। मलिक साहब देखिए सर, ओके, इसमें छोड़ना है और ये सारे गिलास एक में रखने हैं। जो जीत गया वो तो ठीक, और जो हार गया उसके लिए हमने दो पलटियां रखी है। या तो ये गिफ्ट आ गया हमारा, ये गिफ्ट है, ये उसके मुंह पे मला जाएगा, और दूसरा ये पानी वाला टब, इसमें गोते लगवाएंगे उसको। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो चले आप शुरू करते हैं। सबसे पहले जीतने वाले को क्या मिलेगा वो तो भी तो बताओ। वो बताते हैं, वो बाद में बताएंगे, अच्छा, उसे दुआएं देंगे उसे हम। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारे मलिक साहब और साथ उनके दोस्त शहाब शपाटर साहब। चलो बिस्मिल्लाह करो। एक मिनट, मैंने भी कहा बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह, एक मिनट, चलो बिस्मिल्लाह। शहाब साहब तो अपना चैलेंज चैलेंज पूरा करके वो उसको गोता भी लगाएगा, वो उसको पाउडर भी मिलेगा। चलो चलो डन डन डन, पहले वो लेकर आना, पहले पानी रखो, पहले पाउडर, तो उसके बाद मुंह इसको गोता। नहीं नहीं, पहले पानी, पहले पाउडर। चलो जिस उसकी मर्जी जो जीतेगा। इधर भाई, मैं कहता मुझे नहीं पता था ये होगा। मैं जरा इसे पकड़ के बंद, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। जब आप अपने आप को देखोगे ना तो आपको अपने आप से मोहब्बत हो जाएगी। ओए होए ओए होए, देख ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब दो बंदों के माँ बहन में मुकाबला किया जा रहा है, कैदी आजम और असद साहब के बारे में। तो 3 2 1 चलो चलो चलो। ओ कैदी आजम साहब करो, वो ले गया ये असद साहब ने चीटिंग की है, असद साहब ने हाथ से उठाया, नहीं ये नहीं माना जाएगा, और ये जीत गया कैदी आजम, जीत गया कैदी आजम, जीत गया कैदी आजम, उस तरह से उठाया तो चलो आखिरी 3 गिलासों को अंदर कर, नहीं नहीं छोड़ो, 3 2 1 गो 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 गो, चलो चलो ये जो है ना इंशाल्लाह 2 सेकंड बाद ना आपको अपना आप कुछ अजीब ही नजर आएगा। आंखें बंद करो। कैमरा में हाथ हिला दो आपके साथ मजाक हुआ। खैर कैमरा में हाथ हिला दो, पानी 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 लाओ, भाई आराम से आराम से आराम से, बस बस बस, इतने सारा गुस्सा मैं उजाड़ ले रहा तेरे से। अच्छा तो ये दे। A few moments later, तो अभी जो है हमारे शेख साहब उर्फ जो है शेख मुहम्मद और ये जुहैब का चैलेंज है, लेकिन एक एक आपने उठाने हैं। हसन जिसने क्या चपेट पड़ेगी पीछे से, ठीक है, हाथ नहीं लगाना, एक पहले थी, पहले तीन करने, फिर तीन करने, तीनों उठा के आखिरी में कर, ठीक है चलो। जैसे हमने चेक किया था, मैं जरा चेक कर लूं, हमने कैसे ठीक चैलेंज किया था साहब, तुम दोनों ठीक है फिर भी नहीं। चलो जी 3 2 1 गो।
3, 2, 1 पिल्ले मुझे असल में सांस का मसला डॉक्टर मलिक काजी उमैर साहब मलिक उजैन साहब डॉक्टर डॉक्टर शाह खान तीन डॉक्टर मेरे पास है सही करो सारों के लिए मलिक साहब भी निकल गया यार बाद में मुझे पता लगेगा या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर चलो विनर हाथ नहीं लगाना ठीक है आराम आराम से करो दसली से करो एक मिनट मलिक साहब गिलास बहुत दूर कर दिया चलो अब बात सुनो इतनी सी बात मैं तो अब हार चुका हूँ मैं निकल गया हूँ मेरी बात सुनो एक बंदे ने इस तरह टच भी किया ना वो राउंड से बाहर होगा उससे छिपेगा दूसरी बात अगर गिर गया तो उठा सकते हैं नहीं सकते वो उसके ऊपर पाउडर डाल देंगे चलो सबर करो सबर करो सबर सबर 3, 2, 1 प्ले मुझसे कोई जीत नहीं सकता ये शबनम का आशिक जो है जितने भी छोटी टीमें थी सारी बाहर निकल गई फहद और शहाब और मैं रह गए अब देखते हैं कि हम में से कौन जीतता है मैं तो बोलता हूँ आसिफ भाई हार है ताकि मैं अपना बदला लूं आमीन आमीन मलिक साहब को सख्त गुस्सा आप शहाब की तरफ हो जी जी मैं शहाब की तरफ इसीलिए आपको हराया था वो हमारी बात हुई थी ना कि आप हार जाना 3, 2, 1 नहीं 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 मैंने भी बोला ही नहीं है 3, 2, 1 पिल्ले वो टंकी कर रहा है पता है उसने वो किया है पहले चलता रहा था ये भाई है मेरा बड़ा लेकिन क्या करे मजबूरी छिट्टा पावा अच्छी तरह अच्छी तरह आती लाओ चलो एक बार मेरे साथ सारे मिलकर करो चलो चलो पानी का बोतल लियो चलो चलो के साथ जो है हम अपना चैलेंज खत्म करते हैं और जो हमारे विनर है वो शाहब खान है ये जीत गए इन्होंने कम से कम दो दिन से पहले प्रैक्टिस की थी लेकिन जो भी है नहीं नहीं भाई हमारे इनके साथ बात थी कि यार हार जाना किधर कर रहे हो बात किधर सब कुछ छोड़ो मलिक साहब इतने चिट्टे प्यारे हो गए
ये मलक साहब जो है हमारे गैंग की जान है, और ये डॉक्टर साहब जो है काजी आजम साहब डिस्पोजिबल वाले, और ये जो है शबनम काशिक। तो इसके साथ अगर आपको हमारा चैलेंज अच्छा लगा हो, प्यारा लगा हो और आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हमें पता चल सके आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों की प्यार का, और जिस तरह सपोर्ट करते रहे, और आपके लिए हम अच्छे अच्छे चैलेंज ले करेंगे। अल्लाह हाफिज़।